मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर ट्विटर का सहारा लेकर निशाना साधा है, लेकिन इस बार निशाना बीजेपी या सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर है। साथ ही साथ अपने ट्वीट के जरिए उमा भारती ने कमलनाथ का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आप लोग के साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो 2023-24 के लिए राज्य सरकार की आबकारी नीति पर बीजेपी नेता उमा भारती के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। कमलनाथ के इस प्रस्ताव को उमा भारती ने फिलहाल ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के वफादार नेता हूं, मुझे कमलनाथ के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मेरी दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले रविवार को ग्वालियर दौरे पर कमलनाथ थे, इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और कहा था कि उमा भारती बीजेपी में निर्दलीय नेता है। शराबबंदी के मुद्दे पर उन्होंने मेरे साथ कोई चर्चा नहीं की है, अगर वो चर्चा करती हैं तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। हम उमा भारती जी स्वतंत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी की है, हम ना तो उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे, उन्होंने मेरे से इस विषय में चर्चा करेंगे। जब ये चर्चा करेंगी तब इस पे फैसला किया जाएगा। वहीं कमलनाथ के इस ऑफर पर उमा भारती ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर कमलनाथ को निशाने पर लिया और तो और उनका ऑफर भी ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि उमा भारती ने कमलनाथ से कहा कि वो शराब नीति पर अपने सुझाव सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजे। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने शराब नीति पर अपनी सलाह शिवराज सिंह चौहान को भेज दी है। मैं कमलनाथ जी से कहूंगी कि आप भी अपनी सिफारिशें सीधे भेजें और मेरे और शिवराज जी के बीच में ना आए। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से उमा भारती शराब बंदी के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर ले रही है। वो लगातार शराब बंदी को लेकर प्रदर्शन करने की भी बात करती है, आंदोलन करने की भी बात कह चुकी है। हाल ही में उमा भारती ने शराब बंदी के खिलाफ एक और अभियान चलाया है, जिसके तहत वो शराब के दुकान के बाहर गाय बांधती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल यहां पर आपको बता दें कि शराब बंदी के मुद्दे पर राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई। एक तरफ कमलनाथ उमा भारती को ऑफर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उमा भारती ने कमलनाथ के ऑफर को फिलहाल ठुकरा दिया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडी तक।